सर, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कठुआ में रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है सर, उससे कहीं ना कहीं आपके जो वोट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आने वाली है? मुझे तो लगता है बीजेपी घबराई हुई है, नहीं तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने की क्या जरूरत है? सब जगह घूमाए तो, और बहुत बड़े इलाके हैं जहाँ पे उनको कवर करना है। अगर यहाँ पे आ रहे हैं इसका मतलब उनको जितेंद्र सिंह जी के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जैसे जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे कहीं, तो वैसे उनको पुश करने के लिए, उनको अब थोड़ा लास्ट मिनट प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता उससे कोई हमारे वोटिंग में कोई फर्क पड़ेगा। लोगों ने जो माइंड मेकअप किया है वो इस दफा तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उस पर काफ़ी सवालिया निशान खड़े कर रही है, आप किस तरह देखते हैं? धारा 370 और 35A के बारे में कांग्रेस की जो रियायत बढ़ती जाने की बात कही है, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी बार बार सवाल उठा रही है, उस पर क्या कहना? आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि जो उनके मैनिफेस्टो में था 2014 में, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए? क्या कारण है कि वो इसी टाइम पे जब चुनाव का समय आता है उस वक्त इन चीज़ों को उठा के आगे भड़काने की कोशिश करते हैं या लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं? कांग्रेस पार्टी की तो जो पॉलिसी है वो तो कंसिस्टेंट रही है, हमारे पॉलिसी में तो कोई बदलाव नहीं। सर, एक और सवाल पूछना चाहूँगा, चौधरी लाल सिंह जी को आपका बताया जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी जो हैं वो कांग्रेस का बी पार्ट है, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? ये मैं नहीं जानता जी, ये बी पार्ट ए पार्ट जो भी है पब्लिक सब जानती है, ये 18 तारीख को फैसला करेगी, हमें खुद पता चल जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।